जी के साथ खड़ी है और इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पार्टी आगे का कार्यक्रम तय करेगी, हम लोग बैठक करेंगे फिर तय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या कहना, हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ कि एक पुराने 10-12 साल पुराने हत्याकांड में सीबीआई ने हमको आरोपित किया। बहुत सारे मीडिया के साथियों से फोन पर बात हो रही थी बारी बारी से, तो हम चूंकि प्रदेश से बाहर थे तो हम सोचे कि एक ही साथ सभी हमारे मित्र साथी आ जाए और सबको हम अपना बात बताएं और अपना पक्ष रखें। जिस तरीके से इस हत्याकांड में हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कतई कहीं से भी सच्चाई नहीं है और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज लगभग 2012-13 की यह घटना है और 2023 हो गया, 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जुड़ना अपने आप में यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। जब जब चुनाव आता है तो ऐसी घटनाओं का जिक्र और चर्चा करके और हमारे माध्यम से हमारे पार्टी को घेरने का प्रयास किया जाता है। तो आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप सब भी बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे इस घटनाक्रम का तो आपको भी समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है और क्यों की जा रही है। सभी पढ़े लिखे हमारे आप साथी हैं, आप लोग भी बारीकी से इस घटना का अगर अध्ययन करेंगे और जो नाम जोड़ा गया है उसके बारे में आप अगर जानेंगे, भोजपुर जिला में जाइए, भोजपुर जिला के प्रत्येक गांव के लोगों से मिलिए, आरा शहर में घूमिए, वहां जाके लोगों से मिलिए, तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा कि वहां गांव गिराव और शहर के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। अब जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं। सीबीआई में जरूर कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधी या विरोधी पार्टियों से मिलकर हमारे नाम को जोड़कर हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम किए हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप सबों को मैं ये बतला दूं कि मैंने अपना इस्तीफा, मैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा अपने वरीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय नेता को हमने भेज दिया ताकि किसी को ये कहने को मौका नहीं मिले कि आरोप पत्र गठित होने के बाद भी अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। और ऐसे बिहार की परिस्थिति और देश की परिस्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, कितने लोग मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं, कितने लोग किस किस पद पर शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, पार्टी हमारी माँ के समान है, इसलिए अपने नैतिकता के आधार पर जब आरोप हम पर लगे हैं तो हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बाकी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताएं। क्या लगता है किसी एक व्यक्ति का तो नाम, हम किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं बता सकते क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर हम किसी का महत्व तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन न्यायालय है और न्यायालय से न्याय जरूर मिले। ब्रह्मेश्वर मुखिया का पत्र का कहना है कि गोली आप में चले मगर चलवाने वाला कोई और था, इसके पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो उनसे नाम पूछ लीजिए, उनके पत्र का बयान पर हमको नहीं जाना है, उनके पत्र क्या क्या बयान दिए हैं, कब कब बयान दिए हैं। गुलाब जी, कहीं ये सब चीज पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं हो रहा? निश्चित तौर पे ये पॉलिटिकल प्रेशर में ही किया गया जांच है। इतने वर्षों के बाद, 12 साल के बाद कौन सा आपको आधार में, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी हत्या का एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है। किसी व्यक्ति की आप या तो हत्या कोई भी व्यक्ति तब करता है कि उससे प्रतिशोध लेना है,
हमारा कोई उससे बहुत बड़ा लड़ाई है, विरोध है, या उसके हत्या से हमको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो ये दोनों चीज कहीं लागू नहीं था। स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी के हत्या से हमको क्या फायदा, और दूसरी बात यह है कि उनसे हमारा कोई विरोध था ही नहीं। क्या पार्टी की तरफ से दबाव हुआ है या आपने इस्तीफा दिया है? पार्टी की तरफ से क्यों दबाव आएगा, पार्टी की तरफ से कैसा दबाव, पार्टी के सभी आज भी वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता हमारे साथ हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी हमारे साथ रहेंगे। चार्जशीट के खिलाफ क्या न्यायालय के शरण लेंगे आप? निश्चित तौर पे चार्जशीट अभी हुआ है, कोर्ट ने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो अब हम तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई के जगह जरूरी ये रहता कि जब वो 10 लाख का चस्पा अपना लगवा दिए, साल दो साल पहले हम लोग भी अखबार में पढ़े थे कि भाई इस हत्याकांड में 10 लाख का इनाम घोषणा किया गया है कि कोई उद्भेदन करेगा, कोई इसके बारे में क्लू देगा तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। हो सकता है कि 10 लाख रुपये के लालच में भी कोई आदमी खड़ा हो गया हो। बहुत बेरोजगारी है बिहार में, तो किसी बेरोजगार को हथियार बना लिया गया हो 10 लाख रुपये के लालच में और उसको माध्यम बना के हमको परेशान किया गया हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लोग इस तथ्यों को, इसके जो भी पेपर है, जो भी इसके साक्ष्य हैं, जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो सच्चाई से आप लोग खुद अवगत होंगे। आरोप लगा रहे हैं आप एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार है, तो साजिश कौन कर रहा है, कौन फंसा रहा है? सीबीआई पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप प्रबुद्ध साथ ही आपने हमारे वक्तव्य को नहीं सुना है। हमने कहा कि सीबीआई में कुछ एक पदाधिकारी, पूरी हम संस्था को कैसे कह देंगे भाई, लेकिन कुछ एक पदाधिकारी जरूर ऐसे हैं जो हमारे राजनीतिक विरोधियों से मिलकर और इस तरह का उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट किया। सीबीआई की चार्जशीट में है कि लोगों से पूछताछ के बाद आरोप पत्र गठित किया। भाई लोगों से पूछताछ तो लोगों का नाम तो बताएंगे, और न्यायालय है ना, न्यायालय में तो नाम आएगा ना। लोगों से पूछताछ में उनको 10 साल लग गया, लोगों से पूछताछ करने में 10 साल लग गया, बड़ी अच्छी बात है। और 10 साल के बाद हमारा नाम उसमें जोड़ा जा रहा है कि भाई हम वहाँ पे 5 बजे सुबह में उपस्थित हो गए और हम जाके हत्या कर दिए, और हत्या का उद्देश्य नहीं बता रहे हैं क्यों कर दिए, उद्देश्य भी बताना चाहिए था। और जिस दिन का ये घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, उस दिन हम अपने सरकारी आवास में और कम से कम 5-6 अंगरक्षक के साथ अपने हम सरकारी आवास में पटना में उपस्थित हैं, तो जहाँ एक तरफ सरकार के ही 5-6 सुरक्षा कर्मी हमारे साथ सरकारी आवास में उपस्थित हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं 5:30 बजे सुबह पहुंचकर हमने हत्या कर दिया, तो हास्यास्पद है, ये बनावटी है और ये बनावटी कागज उनका कोर्ट में नहीं टिकेगा। सीबीआई पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उदास पांडे जी की, सीबीआई मतलब जो काम कर रही है मिली भगत से कर रही है, या फिर आपका जो पॉलिटिकल कोई दुश्मन है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये कहाँ तक आप मतलब समझते हैं कि सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अगर आपका नाम आया तो? सर सीबीआई को फिर से हम कह दें कि सीबीआई में कुछ एक, सीबीआई में भी कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ पुलिस के ही लोग चुनकर सीबीआई में जाते हैं, नाम आप ले सकते हैं तो नहीं, नाम हम कैसे ले लें। हमने कुछ एक पदाधिकारियों को कहा है कि सीबीआई में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो हमारे राजनीतिक विरोधियों के संपर्क में होकर या उनसे प्रभावित होकर इस तरह का चार्ज उन्होंने हम पर फ्रेम किया है। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का संकल्प लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां एक तरफ हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा पर निकली है, और वैसे में हमारे विरोधी पार्टियों में बहुत घबराहट है। जहां हमारे नेता जाते हैं अपार भीड़ लगता है, जहां हमारे नेता चलते हैं वहां लोगों का हुजूम अपने आप उमड़ आता है, तो हमारे नेता के लोकप्रियता को कमजोर करने के लिए, हमारे माध्यम से पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया गया है, राजनीतिक साजिश रचा गया है, और इनके मसूबे में उन लोगों को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।